और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में बच्ची से रेप को लेकर पूरा देश उबल पड़ा। सरकार ने बच्चियों के बलात्कारियों के लिए फांसी की सजा का कानून बना दिया, लेकिन समाज के शैतानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। अब ताजा खबर हरियाणा के यमुनानगर से आई है, जहां पर कठुआ जैसी शर्मनाक घटना सामने आई है। हरियाणा के यमुनानगर में चार दरिंदों ने 13 साल की नाबालिग बच्ची को अगवा करके मंदिर परिसर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। दरिंदे यही नहीं रुके, गैंगरेप के बाद हत्या के इरादे से बच्ची का सर दीवार से दे मारा, जिससे उसे गंभीर चोट आई है। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने भाई बहनों के साथ सो रही थी। बच्ची के माता पिता किसी काम से बाहर गए थे, उसी समय गांव के दो बदमाश अपने दो साथियों के साथ घर में घुसते हैं। बच्ची को जबरन उठाकर मंदिर परिसर में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप करते हैं। उसके बाद बच्ची की हत्या की कोशिश, दीवार में सर मारने से बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में बच्चों के यौन उत्पीड़न के कानून पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है, तो बहुत ही शर्मनाक घटना। आपको बता दें कि अभी अध्यादेश को मंजूरी दी सरकार ने, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया, कानून बन गया, पॉक्सो एक्ट में बदलाव हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। और बताया ये जा रहा है कि बच्ची को जब होश आया तो वो जैसे तैसे घर पहुंची, घर वालों को अपनी आपबीती सुनाई, पीड़ित घटना को बताते हुए कांप रही थी। सुनिए पीड़ित बच्ची ने क्या बताया। परसों रात आए थे चार लड़के, मुझको उठा के लेते गए थे मुंह पकड़े बांध का मंदिर के पास से कमरा, उसके बाद उन्हें मेरा दुवाल में सिर मारा और जीड़ कह दी, दो जनों ने गलत काम करा। तो पीड़ित बच्ची को आप सुन रहे थे, 13 साल की ये बच्ची है जिसके साथ गैंगरेप हुआ, और बहुत हिम्मती ये बच्ची है जो बता रही है कि क्या हुआ है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस उन चारों बदमाशों की तलाश करने में जुट गई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसे घिनौने अपराधों पर कब लगाम लगेगी। एक 14 साल की बच्ची है और उसकी मदर ने एक एप्लीकेशन मूव करी थी, कल भी मेरी बच्ची के साथ दिनांक 17/4 की रात को भी चार लड़के घर में घुस के जबरदस्ती उठा के ले गए हैं और गांव की धर्मशाला में उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है, जिस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। मेडिकल जांच बच्ची की हो चुकी है और धारा पॉक्सो 6 लगाई है हमने और 365-452 के तहत हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है ABP News, आपको रखे आगे।